ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम 14 अक्टूबर की शुरुआत में आ पहुँचे हैं। एक है बेहद की सोच और एक है हद की सोच। हद की सोच में अगर हम रहें तो हम कहीं नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमें हर छोटे 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 टर्निंग पर पड़ाव दिखाई देंगे, हमें मुश्किलें दिखाई देंगी, और हमें बड़ी पिक्चर जो है, हमने जो सोची हुई है, वो कहीं ना कहीं छुप जाती है इस कारण से। जैसे कि आपने दिखाया, जो भी व्यक्ति हैं अपने जीवन में जो बहुत ही कुछ हासिल कर चुके हैं, उनके जीवन में बहुत सारे पड़ाव आए, लेकिन उन्होंने जो अपन का जो मेन एम था, विजन था, जो कि गॉड का प्लान था, भगवान का प्लान था उनके लिए, उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। उन्होंने उस चीज़ को दिल से स्वीकार किया, और फिर वो दिल से स्वीकार करने के बाद में दिल ने ही उनको गाइड किया। तो परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा, हद में नहीं, बेहद की भगवान का प्लान क्या है इस दुनिया के लिए, जो कि हम ब्रह्म कुमारी इसमें जानते हैं, द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। हद की बातें लिमिटेड जो होती हैं, अड़चने आती हैं, लोग अड़चने डालते हैं, प्रकृति की अड़चने आती हैं, शरीर की प्रॉब्लम की व्याधि की वजह से अड़चने आती हैं, संबंधों की वजह से अड़चने आती हैं, इनको लिमिटेड कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते, बीज कौन होंगे, परमात्मा। परमात्मा कल वृक्ष की बात कर रहे हैं, ट्री ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, है ना, जिसको क्रिश्चियनिटी भी मानते हैं, बुद्धिज्म में भी मानते हैं। और मुख्य दो पत्ते, मुख्य दो पत्ते कौन हुए, परमात्मा बीज, उनसे दो मुख्य पत्ते निकले, एडम ईव कहें या ब्रह्मा जगदम्बा कहें, या फिर आप उनको श्री नारायण श्री लक्ष्मी कह सकते हैं। आत्मा एक ही हैं, स्वरूप और रोल्स अलग अलग हैं, अलग अलग समय, अलग अलग जन्म के। और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ, त्रिमूर्ति हो गए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, नई दुनिया की सोल कॉन्शियसनेस लाना, और विनाश करना बॉडी कॉन्शियसनेस को, जो कि दुनिया में भरा पड़ा है आज 99% मेरा तेरा, शंकर के द्वारा, तपस्या के द्वारा और विनाश के द्वारा। तो विनाश करना, और उसके बाद विनाश के बाद में जो निकलता है ना, वो है अच्छी दुनिया, देवत्व वाली या देवताई गुण वाली दुनिया, जिसको डिपिक करते हैं या दिखाते हैं विष्णु जी के द्वारा, जो कि बीच में दिखाते हैं। तो ब्रह्मा शंकर जी और बीच में विष्णु जी, नई दुनिया स्थापना हो गई। तो त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो, क्योंकि हमें ये सारे राज पता कि हो क्या रहा है दुनिया में, भगवान का प्लान क्या है और दुनिया का प्लान क्या है। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, है ना, नीचे मत आओ कि अरे ये दुनिया में क्या हो रहा है, ये क्यों कर दिया मेरे, इसने क्यों कर दिया, मेरे साथी ने ऐसे क्यों कर दिया, मेरे संबंधी ने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया। नहीं, हमें बेहद की दुनिया के बारे में पता है, हमें पता है इस दुनिया में हो क्या रहा है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, और सत्य की जीत होने वाली है। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की वृत्ति, सॉरी, हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। किसने क्या बोला, किसने क्या किया, किसने क्या अड़चन डाली, वो खत्म हो जाएगा जब हमारा प्लान बहुत बड़ा हो। एंड स्पेशली अगर हमारा तन मन धन परमात्मा की सीमा में लग रहा हो, तो फिर परमात्मा हमारा साथी है। तो छोटे छोटे जो अड़चने आती हैं वो चली जाती हैं, रास्ते परमात्मा निकाल देते हैं, टचिंग करा देते हैं, किसी को निमित्त बना देते हैं। अपने बेहद के बुजुर्गपन की, हम कौन है, पुरानी आत्माएं हैं, बहुत लंबा चक्कर हमने काटा, कई जन्म लिए हैं, 84 जन्म लिए हमने, किसी ने, है ना, किसी ने कम लिए होंगे, लेकिन 84 जन्म मैक्सिमम में आओ तो सदा सर्व अनुभूति मूर्त हो जाएंगे, सब एक्सपीरियंस आ जाएंगे हमें। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है, उसको सदा स्मृति में रखो कि हम बेहद के पूर्वज आत्माएं हैं। हम किसी का बिगाड़ नहीं सकते कुछ, किसी के बुरा नहीं सोच सकते, ना बोल सकते, ना कर सकते किसी के बारे में। हम परमात्मा के साथ में हम प्रोटेक्टेड हैं, हम आगे बढ़ेंगे चाहे दुनिया जो भी करना चाहे, लेकिन हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन। अमर ज्योति का मतलब क्या है, सदा सोल कॉन्शियस रहना, बन परमात्मा के साथ में जुड़े रहना, बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। वो कैसे करेंगे, कहीं कहीं बोल के करना पड़ता है, कहीं कहीं एक्शन के द्वारा करना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है, भैया क्रोध से नहीं शांति से कभी हो सकता है, बदला लेने से नहीं, अपने मार्ग पर अपने डायरेक्शन पर चलते रहो, है ना। फिर बदला लेना ना लेना उसकी बात आएगी नहीं, हमें अपने एम तक पहुंचना है, ठिकाने पर लगाना परमात्मा कहते हैं, और को गाइड करना। तो हम लाइट हाउस जैसे बन गए, जो कि और जहाज़ों को, आत्मा रूपी जहाज़ों को हम लाइट हाउस बन करके दिखा रहे हैं कि ये डायरेक्शन में मत जाओ ठोकर लगेगी, ये डायरेक्शन में जाओ सब ठीक हो जाएगा। तो ये करें कैसे, ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, लेकिन फर्स्ट स्टेप है 7-day कोर्स। ओम शांति इसके साथ।